शाहपुर थाना की पुलिस टीम ने शॉपिंग मार्ट में चोरी की घटना के वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार किए गए शातिर चोर के पास से चोरी का 1,11,000 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व हेलमेट भी बरामद किया है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने खुलासा करते हुए बताया कि शॉपिंग मार्ट में स्वीपर ने हेलमेट और मास्क लगाकर मार्ट के अंदर दाखिल हुआ था। मौका देखकर स्टोर में छुप गया। मार्ट बंद होने के बाद कैश काउंटर से 1,50,000 रुपए नगदी चुराकर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि शाहपुर पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी स्वीपर सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। शातिर चोर के पास से चोरी का 1,11,000 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व हेलमेट भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि उधारी का पैसा चुकाने के लिए स्वीपर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, थाना शाहपुर को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे शातिर चोर को पकड़ा है जिसने 28 तारीख को एक मार्ट जहां पे वह सफाई का काम करता था, उस व्यक्ति को पहले से जानकारी थी कि किस तरीके से मुझे इस घटना को अंजाम देना है। उसने पूरा प्रॉपर प्लानिंग किया, क्राइम पेट्रोल वगैरह इस तरीके की तमाम सीरीज को देख के शाम को 5:30 बजे के आसपास वह अपनी सफाई करके बाद वहां से बाहर निकला और 6:30 बजे के आसपास वह वापस आया और अपना हेलमेट पहन के और मास्क पहन के वो दुकान के अंदर घुसा और उसके बाद में अपने आप को एक स्टोर रूम में छुपा लिया। करीबन 3-3.5 घंटे स्टैटिक रहने के बाद में उस व्यक्ति ने और लाइट भी चली जाए और इसके बाद में वो निकला और हाथ में अपने ग्लव्स पहने और सर्जिकल ग्लव्स ताकि उसकी इम्प्रिंट्स जो है वो किसी भी चीज़ पे ना आए और उसके बाद में उसने गले से करीबन 1.5 लाख रुपया जो है जैसा EFIR में बताया गया उसके हिसाब से निकाल लिए और निकालने के बाद में व्यक्ति पीछे के गेट से निकल गया। इस घटना की सूचना EFIR के माध्यम से जो वादी हैं राजेश कुमार सिंह जिनकी ग्रोसरी की शॉप है उन्होंने दी। उसको फिर थाने से जब विवेचना की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वी मार्ट के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए और आसपास के करीबन 20 कैमराज के सीसीटीवी दिखाने पे पता चला कि ये व्यक्ति सेम वाइट शर्ट पहने हुए और जिसके एक कुछ दिन बाद भी आई है, उससे पहले भी वो उसी शॉप में रहा है। जब बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उन सबको जो पैटर्न देखा गया सेम पैटर्न और एक ही सेम वाइट शर्ट दाग लगा हुआ जब मिला पुलिस को, शक गहरा हुआ तो उससे पूछताछ की और सघन पूछताछ में उस व्यक्ति ने चोरी करना कबूला और करीबन उसके पास से 1,11,000 रुपये जो चोरी किए थे वो बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ जो बाइक और जो हेलमेट है घटना में प्रयुक्त हुए थे वो भी बरामद किए गए। तो चोरी करने के पीछे इसका मोटिव क्या था? इसकी अपनी लाइफस्टाइल है, जो जिस प्रकार की लाइफस्टाइल है जी रहा है, इसके अपने बियॉन्ड लिमिट्स बियॉन्ड इसकी सैलरी से ज्यादा थे एक्सपेंसेस और उन्हीं एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इसने ये चोरी को अंजाम दिया। इस चोरी को प्लान किया था लेकिन जो टीम है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे केस को क्रैक किया है एंड दे रियली डिजर्व कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल जी।